नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में धारा 144 हटाने की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला संवेदनशील है, इसमें सरकार को वक्त मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दो हफ्ते बाद मामले की सुनवाई करेंगे। अयोध्या मामले पर सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने रामलला के वकील से कहा कि आपका दुनिया देखने का नजरिया सिर्फ आपका नजरिया है, लेकिन आपके देखने का तरीका सिर्फ एकमात्र नजरिया नहीं हो सकता। उन्होंने आगे कहा कि एक नजरिया यह है कि स्थान खुद में ईश्वर है, और दूसरा नजरिया यह है कि वहां पर हमें पूजा करने का हक मिलना चाहिए। हमें दोनों को देखना होगा। कश्मीर मुद्दे पर अब अमेरिका ने अपना रुख साफ कर दिया है। अमेरिकी प्रशासन ने कह दिया है कि कश्मीर भारत पाकिस्तान का द्विपक्षीय मसला है और अमेरिका इसमें कतई दखल नहीं देगा। अब अमेरिका ने मध्यस्थता करने से साफ इनकार कर दिया है। अमेरिका में भारतीय राजदूत हर्षवर्धन सिंगला के हवाले से एक खबर आई है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपनी पुरानी नीति पर चलना चाहता है और वो चाहता है कि भारत और पाकिस्तान एक साथ मिलकर इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करें। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के निमंत्रण पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी जम्मू कश्मीर जाने को तैयार हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि उन्हें विशेष विमान की जरूरत नहीं है, वह विपक्षी नेताओं के साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जमीनी हालात देखना चाहते हैं। राहुल गांधी ने शनिवार की रात कहा था कि जम्मू कश्मीर से हिंसा की कुछ खबरें आई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पारदर्शी तरीके से इस मामले पर चिंता व्यक्त करनी चाहिए, जिसके बाद राज्यपाल मलिक ने राहुल को कुछ बोलने से पहले जमीनी हकीकत देखने की सलाह दी थी। दिल्ली पुलिस ने 15 अगस्त की एडवाइजरी जारी करते समय भारी गलती कर दी है। पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते समय स्वतंत्रता दिवस के स्थान पर गणतंत्र दिवस लिख दिया, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली पुलिस के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है, जिस पर कल यानी बुधवार को सुनवाई तय की गई है। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के 10 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री पवन चैमलिंग की पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, जिसके बाद राज्य में खाता भी ना खोल पाने वाली बीजेपी मुख्य विपक्षी दल बन गई है। देश में पैसेंजर वाहनों की बिक्री में जुलाई महीने में भारी कमी आई है। जुलाई महीने में पैसेंजर वाहनों की सेल में 31% गिरावट आई है। यही नहीं, रिलीज किए गए आंकड़ों के मुताबिक उत्पादन में भी 17% कमी आई है। ये सब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में चल रही जबरदस्त मंदी का नतीजा है, जिसके चलते लाखों लोगों की नौकरी जा चुकी है। हांगकांग में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी हांगकांग एयरपोर्ट पर घुस आए हैं, जिस कारण से सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। सोमवार को भी दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्टों में से एक हांगकांग एयरपोर्ट से उड़ानें रद्द कर दी गई थी। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने 2022 में इंग्लैंड के बर्मिंघम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में महिला T20 क्रिकेट को शामिल करने की मंगलवार को घोषणा की है। प्रतियोगिता के समय मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड में खेले जाएंगे, जिसमें 8 महिला क्रिकेट टीम भाग लेगी और ये 8 दिनों तक खेला जाएगा। साल 1988 के बाद ये पहला मौका है जब क्रिकेट को राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल किया गया है। 2022 में होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों से शूटिंग को बाहर किए जाने पर कॉमनवेल्थ खेलों में चीफ लुइस मार्टिन ने कहा कि वो इस बात पर अडिग हैं कि शूटिंग को कॉमनवेल्थ में शामिल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शूटिंग कभी अनिवार्य खेल नहीं था। बता दें, भारत ने शूटिंग को बाहर किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है और कॉमनवेल्थ खेलों का बहिष्कार करने की भी चेतावनी दी है। विश्व कप 2019 के फाइनल मैच में इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड के बीच बेन स्टोक्स को ओवर थ्रो में दिए गए रन काफी चर्चा में रहे थे। अब विश्व क्रिकेट समिति ने सितंबर में उस ओवर थ्रो की समीक्षा करने का फैसला किया है। इस विश्व क्रिकेट पैनल में शामिल शेन वॉन और कुमार संगकारा ने भी ओवर थ्रो की पड़ताल करने पर सहमति जताई है। आज श्रीदेवी के जन्मदिन पर मैडम तुसाद ने खास अंदाज में श्रद्धांजलि दी है। मैडम तुसाद ने श्रीदेवी के 56वें जन्मदिन पर उनके वैक्स स्टैच्यू के लॉन्च का ऐलान किया है। श्रीदेवी के इस मोम के पुतले को एक्ट्रेस की याद में बनाया गया है। शेयर बाजार में आई भारी गिरावट। सेंसेक्स 623.75 अंकों की गिरावट के साथ 36,958.16 पर बंद हुआ, तो निफ्टी भी 183.80 अंकों की भारी गिरावट के साथ 10,925.85 पर बंद हुआ। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।